नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे हायोसियामस निगर के बारे में, जो कि एक प्रमुख औषधि है होम्योपैथी में। यह एक वानस्पतिक औषधि है जिसका पौधा का नाम होता है दोस्तों हेनबेन। यह एक हर्ब्स है जिसमें आप देखेंगे कि रुईदार स्टेम्स होते हैं और यह एक जहरीला पौधा होता है। हायोसियामस मुख्य रूप से डेलेरियम की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। जो मस्तिष्क उत्तेजना हो जाता है उसमें यह दवा बहुत ही खास है। दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से इस दवा को। सबसे पहले हम जानेंगे इसके माइंड सिम्टम्स को और इसके स्फेयर ऑफ एक्शन को। दोस्तों हायोसियामस निगर हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा प्रभाव करता है, इसलिए डेलेरियम की यह एक बहुत ही खास दवा है। रोगी में आप देखेंगे कि मस्तिष्क उत्तेजना जो हो जाता है, जो दोस्तों ट्रायो ऑफ डेलेरियम में जब हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह दवा खास करके वैसे रोगियों के लिए बहुत ही खास होता है जो किसी भी बात पर बड़बड़ाने लगता है, बीच बीच में हंसने लगेगा, बेतुकी बात करने लगेगा। इस तरह के रोगी में हायोसियामस निगर बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके माइंड सिम्टम्स को जानेंगे। रोगी जो होगा बहुत ही सस्पिशियस होगा, वेरी सस्पिशियस पेशेंट, जिसमें कि रोगी बहुत ज़्यादा संकालु होता है, किसी पर भी शक कर सकता है और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, बहुत ही बातौनू किस्म का व्यक्ति होता है। वो किसी भी विषय में बात करने से परहेज नहीं करेगा। और दोस्तों उस व्यक्ति में आप यह भी देखेंगे कि वो जो है अपने गुप्तांग को भी ढकने से परहेज करता है। ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे कि वो अपने बॉडी को अनकवर कर लेगा, लज्जा उसे नहीं आती है। इस तरह के लक्षण में हायोसियामस बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे व्यक्ति बीच बीच में आपसे हंस हंस के बात करेंगे और दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति बीच बीच में बोलते बोलते लगेगा कि वो निद्रा में चला गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, किस विषय पर बोल रहा है। इस तरह का इसका माइंड सिम्टम्स होता है। हेड के केसेस में रोगी जो है माथा में आप देखेंगे कि सरदर्द उसमें रहेगा, वर्टिगो रहता है, चक्कर आते हैं, उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई मादक पदार्थ का सेवन कर रखा है। इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अनकॉन्शसनेस भी रहता है, मेनिनजाइटिस जैसे लक्षणों में भी ये दवा बहुत ही खास होता है, जहाँ पर रोगी में अनकॉन्शसनेस देखने को मिलता है। और दोस्तों आईज के केसेस में उनका जो पिपल्स हो गए वो डायलेटेड होते हैं और उसमें कभी कभी स्पार्क्स से लक्षण आते हैं कि आँख के आगे रोशनी चौंधिया जाना, जो कहते हैं आँख चौंधिया जाना, वैसे लक्षण उस रोगी में देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें आप कई बार यह देखेंगे कि स्पास्मोडिक क्लोजिंग ऑफ लीड्स होते हैं, रोगी में अविश्वास इतना ज़्यादा होता है, उसको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिसके कारण उसकी पुतलियाँ बार बार गिरती उठती रहती हैं। इस तरह के भी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों माउथ के केसेस में टंग ड्राई रहते हैं, लाल रहेंगे और कई बार उसमें क्रैकिंग आ जाते हैं टंग में, ये भी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। टंग इमेबल हो जाते हैं, वो घूमता नहीं है, स्थिर हो जाते हैं टंग, इस तरह से जैसे पक्षाघात हो गया हो टंग का। इस तरह के लक्षण में हायोसियामस बहुत अच्छा लाभ करता है। लोअर जो होते हैं वो ड्रॉप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वहाँ पर भी ये अच्छा लाभ करता है। मुख्य रूप से हायोसियामस का जो रोगी होगा वो दोस्तों सस्पिशियस होता है, संकालु किस्म का रोगी होगा। और इसमें आपको यह भी देखने को मिलता है कि यह मस्तिष्क उत्तेजना की बहुत ही खास दवा है, जहाँ पर मानसिक उन्माद होते हैं रोगी में, वो किसी एक चीज़ पर अस्थिर नहीं रहेगा, मस्तिष्क में रक्त का संचय हो जाता है, दिमाग में खून चढ़ जाता है, गर्दन की धमनियाँ फड़कती हैं, चेहरा गर्मी से तमतमाता है। ऐसे लक्षणों में हायोसियामस एक बहुत ही खास दवा हो जाता है। जब हम डेलेरियम की बात करते हैं तो दोस्तों होम्योपैथी में ट्रायो ऑफ डेलेरियम है, जिसमें कि बेलाडोना है, हायोसियामस है और दोस्तों एस्ट्रेमोनियम है। ये सारी दवाइयां जो हैं, ये तीन तरह की दवाइयां जो ट्रायो ऑफ डेलेरियम हैं, बेलाडोना, हायोसियामस और एस्ट्रेमोनियम, दोस्तों इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो मानसिक उन्माद होते हैं रोगी में, उसमें हायोसियामस एक बहुत ही खास दवा है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को, जो कि बहुत ही अहम है। दोस्तों वैसे रोगी में जब आप रात में लेटने जाते हैं या फिर आप दोपहर में ही
सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, जैसे ही लेटते हैं तो आपका खांसी बढ़ जाता है दोस्तों। वहाँ पर आप बार बार खांसते हैं, वैसे लक्षण में हायोसियामस बहुत ही खास दवा है दोस्तों। यह दवा उभेला में जब सूजन आ जाती है वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी दवा है, और खांसी बार बार जब आपको आते हैं वहाँ पर भी ये दवा ड्रोसेरा के समान काम करता है, इसलिए यह एक बहुत ही खास दवा है दोस्तों। फीवर के केसेस में, टाइफाइड के केसेस में हम यह देखते हैं कि यह दवा बहुत ही अच्छा काम करता है, जहाँ पर रोगी अचेत पड़ा रहता है, आँखें खुली रखता है और बिस्तर को दोस्तों अंगुलियों से कुरेदता है, वहाँ पर यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। और टाइफाइड के केसेस में आप यह भी देखेंगे कि खसरा हो या चाहे चेचक हो, इस तरह के भी लक्षण अगर रहते हैं या टाइफाइड के बाद इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, चेचक हो जाते हैं रोगी में, वहाँ पर भी हायोसियामस अच्छा काम करता है दोस्तों। अनिद्रा की भी यह एक बहुत अच्छी दवा है, जहाँ पर आपको व्यापारी वर्ग में जो अपने बिजनेस में के बारे में सोचते हैं और बिजनेस के कार्य में लगे रहने के कारण उनमें जो चिंता आती है, उस चिंता के कारण जो वो उनको नींद नहीं आती है, जो वो अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, वहाँ पर हायोसियामस अच्छा काम करता है। मूल रूप से जो काल्पनिक बातें होती हैं और काल्पनिक विचारों में खो जाने के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, उसकी हायोसियामस एक बहुत ही खास दवा है दोस्तों। इसमें एक और भी है कि जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ पर जो इसका प्रभाव पड़ता है, आप देखेंगे कि क्लोनिक कलवंसन्स होते हैं, रोगी के शरीर में ऐठन होती है इस तरह का कि उसके पूरे मांसपेशियों में जकड़न आ जाते हैं, ऐठन होने लगता है, वहाँ पर भी हायोसियामस एक बहुत ही खास दवा है। यह दवा मुख्य रूप से हमारे मेंटल सिम्टम्स पर निर्भर करता है और इसलिए यह डेलेरियम की जो मानसिक उन्माद होते हैं उसमें, और दोस्तों जो पेशेंट में निर्लज्जता देखने को मिलती है, क्योंकि आप देखेंगे कि हायोसियामस का पेशेंट जो होगा वो वेरी सस्पिशियस होता है, बहुत ही संकालु किस्म का तो होता ही है, वह बहुत ही निर्लज्ज भी होता है, क्योंकि वह दोस्तों जब बात करेगा तो कामो वासना की जो बात होती है, कामो उन्माद में रहता है ये रोगी, हायोसियामस का रोगी, और रोगी जो है कामोन्माद में आप देखेंगे कि कई तरह की बातें करेंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ये लक्षण आपको देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों हायोसियामस का जो रोगी होता है उसमें निर्लज्जता भी आ जाती है, वो अपने अंगों को ढकना पसंद नहीं करता है और आप देखेंगे कि उसको शर्म भी नहीं आती है। इस तरह के लक्षण में आप इस दवा को दे करके लाभ पहुंचा सकते हैं दोस्तों। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में और इसका कितने दिनों तक हम सेवन करेंगे, यह भी आपको जान लेना जरूरी है। हायोसियामस 6C या 30 पोटेंसी को आप 5-5 बूंद 3 बार ले सकते हैं दिन भर में, हायोसियामस 200 को आप 5 बूंद 1 बार रोज ले सकते हैं, और दोस्तों अगर हायोसियामस 50 मिलीसीमल में आपको दवाई मिले तो उसका आपको 5 बूंद 1 बार 3 दिन के अंतराल पर कम से कम आप उसका 5 खुराक जरूर लें, तो आपको लक्षण में आराम दिखेगा, आपके मेंटल सिम्टम्स में बहुत जल्दी आपको लाभ दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।